अगर किसी को एयरपोर्ट से वापस भेजा जाता है अपने होम कंट्री पे किक आउट करके तो बहुत दुख होता है, और स्पेशली वो दुख उसी के लिए होता है कि एक छोटी सी गलती आपकी है और उसकी वजह से आपको धकेल दिया जाता है कंट्री के बाहर। हमारे रिसेंटली एक क्लाइंट का फोन आया था हमें, उनके भतीजे के साथ ऐसा हुआ कि ही केम टू ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न एयरपोर्ट से, उनको उनका उनसे इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू में बोला गया कि आपने जब अपना ये ऑस्ट्रेलियन वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था, देन एट दैट पॉइंट आपने हमें ऐसा बोला था कि आपका प्रीवियस कोई रिफ्यूजल नहीं है, जबकि लड़के का पहले कनाडा का वीजा रिफ्यूज हुआ था। आई थिंक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी यूएसए और यूके सभी का डाटा मर्ज होता शेयर्ड होता है और ये कंट्री देख सकते हैं कि आपका प्रीवियस रिफ्यूजल किसी कंट्री के साथ था। तो इस लड़के को बोला गया कि आपका रिफ्यूजल ऑलरेडी कनाडा से था और आपने अपने वीजा एप्लीकेशन में डिक्लेयर नहीं किया है, इसीलिए आपने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दिया है एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ ग्राउंड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ योर वीजा, और उनका वीजा कैंसिल करके उनको वापस भेज दिया गया। ऐसा हो सकता है किसी के साथ भी, सो प्लीज अगर आप अपना वीजा एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया का कर रहे हो तो केयरफुल रहिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आप वहां पर फीड करते हो, खुद से करते हो या अपने एजेंट को देते हो, दोनों तरीके में आपको बहुत ही ख्याल रखना है। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि गलती से भी आपका कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो इमिग्रेशन को पता होना चाहिए वो होना चाहिए, और उनके पास सही इंफॉर्मेशन जाए, ना कि कोई गलत इंफॉर्मेशन। अदरवाइज द कंसिक्वेंसेस विल बी वर्स्ट एंड यू विल बी द ओनली वन हु विल बी फेसिंग दिस कंसिक्वेंसेस। एजेंट भी निकल जाएंगे, लोग भी निकल जाएंगे और डिपार्टमेंट भी निकल जाएगा, सिर्फ सफर करना पड़ेगा। तो जो क्लाइंट होगा, जो बंदा होगा, या लड़का या लड़की जो भी होंगे, उनको खुद को फेस करना पड़ेगा। सो प्लीज बी केयरफुल, आपका वीजा आपकी खुद की जिम्मेवारी है और आप ही को निभानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज कृणाल नायक, योर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फ्रॉम क्रोमोर इमिग्रेशन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।